कुछ लोग ब्लड रिलेशन से भी भाई बहन होते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को दिल से भाई बहन मानते हैं, लेकिन अब ये कहाँ का इंसाफ है कि मेरी बहन की सारी क्लासमेट मेरी बहन हो जाएंगी। देखिए, इस ब्रह्मांड का एक नियम है, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को आंकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये लड़का इस लड़की को लाइक करने लगता है, तभी ये लड़की आके उसके हाथ में राखी बांध देती है। इससे उस लड़के को घाव तो मिलता ही, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का नियम भी बदल जाता है। इस पागलपन में वो लड़का वर्ल्ड वॉर तक कर सकता है, अजीब वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग को गिरा सकता है। इसीलिए सिस्टर्स लिस्ट को बनाया गया। वो लड़कियां जिन्हें ये लड़के लाइक करते थे और वो उनके हाथों में आके राखी बांध देती, उन्हीं लड़कों को इस सिस्टर्स लिस्ट में रखा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये संस्था सिस्टर्स लिस्ट शुरू कब हुई? जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएन के साथ इसका गठन हुआ था। तो ये हमेशा से एक सीक्रेट संस्था रही है? लगभग तक, लेकिन अब ये जैसा कि आप देख ही रहे हैं सबके सामने है और अपने अंतिम पड़ाव पे भी है। ये आपका पुश्तैनी काम तो नहीं होगा, है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हर 7 साल में चुनाव होते हैं कि कौन इसका नेतृत्व करेगा। तो आपसे पहले कौन था? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे? जी हाँ, पर वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। क्यों? ಅಣ್ಣ ಹಜಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೂ ಪುಟಾಣಿಗಳು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರು। उनको निकाल दिया गया। तो आपके यहाँ और भी फेमस लोग थे? जी हाँ, बहुत से। अभिनव बिंद्रा है, बैटमैन है, नरेंद्र मोदी है, अपना बोल्ट है जो सबसे तेज दौड़ता है। आप ऐसे लोगों को ढूंढते कैसे हो? है ना प्रोफेसर जेवियर, हेलमेट पहन के कुछ करते हैं, ढूंढते लोगों। हेलमेट पहनकर? वो एक्समैन? वो सब कहने की बातें हैं, एक्समैन वगैरह, पर हेलमेट डिप्रेशन सेंस करता है। अच्छा, मुझे यूपी का एक किस्सा याद आ रहा है। वहाँ पे लगभग 20,000 लोगों ने राखी के डर से अपने हाथ कटवा लिए थे। अजी, यूपी पुलिस को रातों रात ताजमहल बनवाना पड़ गया था मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए। तो ये हमारा रिहैब सेंटर था। तेरे नाम देखिए आपने? जी, तेरे नाम की शूटिंग यहीं पर हुई थी। वो सलमान खान के आसपास जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब रियल थे, डिप्रेशन के शिकार। सिर्फ सलमान खान एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें सब भाई तो बोलते हैं, पर राखी कोई नहीं बनता। सेन बोल्ट, जब वो 14 साल का था तो एक लड़की उसके पीछे राखी लेके भागी। बहुत दर्दनाक कहानी है। उसके डर से वो बेचारा इतनी तेज़ भाग रहा था। हमने उसकी इस एनर्जी को चैनलाइज किया। हमने कहा तो एक एथलीट बन, और आज देखिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एथलीट है अभिनव बिंद्रा, पेड़ पे चढ़ के गुलेल से मटकियाँ फोड़ा करता। एक दिन क्या हुआ, जैसे गुलेल पीछे खींची, हाथ पे किसी ने राखी बांध दी। बस उस दिन के बाद से उसने बंदूक उठा ली ताकि दोनों हाथ आगे रहे, कोई राखी ना बांध सके। देखिए, पहले हम लोग ना रक्षाबंधन के डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के घर से बाहर निकलते थे जी, बड़ा ही मुश्किल होता था। फिर हमने कराटे का इजाद किया। ताकि कोई हमारी कलाई पकड़ ही ना पाए। ब्रूस ली, जब वो अपने हाथ चलाता था तो लोगों को उसकी कलाइयां दिखती भी नहीं थी। क्या था उसका मोटिवेशन? तो आपकी संस्था बंद क्यों हो रही है? क्योंकि अब हमें कोई खतरा नहीं है। मतलब यह है कि एक नई तरह की जमात आई है, क्या कहते हैं उसे, सूडो लिबरल्स या आदर्श लिबरल्स, पता नहीं क्या। अब तो ना ही होली बनती है और ना ही दिवाली। धीरे धीरे हर तरह के त्यौहार खत्म किए जा रहे हैं। जब रक्षाबंधन ही नहीं बचेगा साहब, तो हम रक्षा किसकी करेंगे? कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं।
जब मैं इतिहास में देखता हूँ तो मुझे कई काले दिन दिखाई देते हैं, पर इसके जितना डरावना कुछ नहीं था। मैं देखता हूँ मर्दों को हर उस जगह छुपते हुए जिसकी आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं। एक ऐसा समाज जो पुरुष प्रधान हो, मुझे अचंभा होता है ये देखकर कि यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है। इस दिन को उसी दिन कैलेंडर से फाड़कर फेंक देना चाहिए था जिस दिन ये अस्तित्व में आया। मैं जानता हूँ हिटलर ज्यूस को क्यों मारता था, क्योंकि वो एक यहूदी लड़की से प्यार करता था, उसने उसे भाई बना दिया था। रक्षाबंधन ने इस दुनिया को वैलेंटाइन डे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। देखिए, हमारी संस्था खतरे में, और हमारी संस्था को बचाने के लिए हम आपसे कोई डोनेशन नहीं मांग रहे, बस प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।